हमारे चैनल हाउ टू सीखे के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूबर बनने की सोच रहे हैं तो आपने कभी ना कभी यूट्यूब अवार्ड्स के बारे में जरूर सुना होगा, जैसे कि सिल्वर अवार्ड, गोल्ड अवार्ड और डायमंड अवार्ड। इन अवार्ड्स को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, जैसे कि ये अवार्ड किन लोगों को दिया जाता है, इन अवार्ड्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और इन अवार्ड्स को पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। तो इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी है कि हम अपने चैनल के लिए यूट्यूब सिल्वर अवार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो चलिए ये सब कुछ सीख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि YouTube अवार्ड होता क्या है। YouTube अवार्ड एक तरह का अवार्ड है जो YouTube अपने उन क्रिएटर्स को देता है जो YouTube पर बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं और जिनका कंटेंट बिल्कुल जेन्यून होता है, यानी वो किसी की कॉपी नहीं करते, वो अपना ही वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। तो चलिए, अब ज्यादा जानकारी के लिए हम यूट्यूब की क्रिएटर अवार्ड वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा www.youtube.com/YT/creators/awards। तो ये आप टाइप कर लीजिएगा और टाइप करने के बाद आप क्रिएटर अवार्ड की वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी हुई है यूट्यूब अवार्ड से रिलेटेड। यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको कब कौन सा अवार्ड मिलेगा। सबसे पहला जो अवार्ड होता है वो होता है सिल्वर क्रिएटर अवार्ड, जो आपके चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने पर आपको दिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है गोल्ड क्रिएटर अवार्ड का, जो आपको 10,00,000 सब्सक्राइबर यानी कि 1,000,000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर कंप्लीट होने पर दिया जाता है। और उसके बाद आता है डायमंड क्रिएटर अवार्ड, जो आपके चैनल पर 10,000,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर यूट्यूब की तरफ से दिया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह अवार्ड किन लोगों को दिया जाता है, तो ये बात भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। यूट्यूब अवार्ड लेने के लिए सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके चैनल पर सिल्वर अवार्ड के लिए 1,00,000 मिनिमम सब्सक्राइबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल्ड अवार्ड के लिए आपके चैनल पर 1,000,000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है और डायमंड अवार्ड के लिए आपके चैनल पर 10,000,000 सब्सक्राइबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इस अवार्ड को पाने के लिए वो है कि आपके चैनल पर किसी भी तरह की कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। अगर इस अवार्ड को अप्लाई करते वक्त आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हुई तो आपको ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। ये मेरे साथ हो चुका है क्योंकि मैंने सिल्वर अवार्ड के लिए अप्रैल में अप्लाई किया था, लेकिन अप्लाई करने के बाद मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक आ गया था और स्ट्राइक आने के बाद मुझे सिल्वर अवार्ड नहीं दिया गया। लेकिन अभी जुलाई में मेरा वो स्ट्राइक एक्सपायर हो चुका है और उसके बाद मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आपको क्रिएटर अवार्ड चाहिए तो आपके चैनल पर किसी भी तरह की कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता यूट्यूब की तरफ से तो आप उस सिल्वर अवार्ड को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने जीमेल अकाउंट पर चलना होगा। तो जीमेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ कंपोज का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर कंपोज पर क्लिक करके एक ईमेल यहाँ से आपको सेंड करना है। सेंड करने के लिए आपको यहाँ पर एक ईमेल डालना है, creator-support@youtube.com। ये ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, ये ईमेल एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस ईमेल एड्रेस पर आपको अपना ईमेल सेंड करना है और यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिक्वेस्ट फॉर यूट्यूब अवार्ड। तो यहाँ पर मैंने पहले से नोटपैड पर लिख के रख रखा, ये सभी लिखा हुआ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिक्वेस्ट फॉर यूट्यूब अवार्ड और यहाँ पर आपको एक ईमेल कंपोज करना है। यहाँ पर आपको क्लियर लिख देना कि मेरे चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे चैनल पर किसी भी तरह का कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है और मुझे अपना यूट्यूब अवार्ड चाहिए। तो ये सब मैंने पहले से लिखा हुआ रखा है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ
और यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि जब ये सब आप लिख लें तो उसके बाद नीचे अपने चैनल का लिंक जरूर दे दें। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर माय चैनल लिंक और उसके बाद अपने चैनल का लिंक दे दिया। और ये सब करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेंड का ऑप्शन, तो सेंड पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सेंड करेंगे, सेंड करने के कुछ देर बाद आपके पास मैसेज आएगा और मैसेज में लिखा होगा कि बहुत ही जल्दी हम आपके चैनल को रिव्यू करेंगे। और उसके बाद एक सेकेंड मैसेज आएगा, उसमें साफ लिखा होगा कि हमारा जो इंटरनल टीम है वो आपके चैनल को बहुत ही जल्दी रिव्यू करेगा, उसके बाद ही हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। और ये इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मेरे पास तो 2-3 दिन में मैसेज आ गया है। और उसके बाद जब तीसरी बार मैसेज आएगा, तो तीसरी बार मैसेज आने के बाद आपको यहाँ पर साफ लिखा होगा कि थैंक्स फॉर वेटिंग, वेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर साफ लिख दिया है कि आपका चैनल जो है वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड हो चुका है सिल्वर प्ले बटन के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने एक कोड दे दिया है मुझे, जिसे रेडीम कोड कहते हैं, ये कोड दिया हुआ है। इस कोड को मुझे यूज करना है सिल्वर अवार्ड के लिए। और यहाँ से हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप साइन इन करिए, अगर आप साइन इन नहीं है तो साइन इन कर लीजिए। तो मैं अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद में इसने मुझे यहाँ पर लाकर रिडायरेक्ट कर दिया। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर योर वैलिडेशन कोड। तो जो कोड मैं वहां से कॉपी करके लाया था वो यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा दिया हुआ है, तो यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट के सामने क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है आई एग्री, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कंटिन्यू का, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका चैनल जो है वो सिल्वर अवार्ड के लिए क्वालिफाइड है। तो यहाँ पर अब आपको वो नाम डालना है जो आपके चैनल का नाम है, जो यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर नाम डालते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर गलती हो गई तो आपके अवार्ड पर वही नाम डलकर आ जाएगा जो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मैं अच्छे से यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। तो मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पर डाल दिया है। और चैनल का नाम डालने के बाद नीचे की तरफ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कंटिन्यू का, तो आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से डालना है। सबसे पहले दिया हुआ है कंट्री, तो यहाँ पर मैं इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अपनी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम डालना है, उसके बाद कंपनी, अगर आपकी कोई कंपनी है तो नाम डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अच्छे से एड्रेस डालना है आपको, और यहाँ पर आपको अपनी सिटी डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट डालना है, और स्टेट डालने के बाद यहाँ पर जिप कोड या फिर पोस्टल कोड डालना है, उसके बाद आपको अपना फोन नंबर डालना है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर लेता हूँ, और प्राइवेसी की वजह से मुझे ये सब ब्लर करना होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर दी। और फिल करने के बाद हम स्क्रोल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आते हैं, और जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और दिख रहे होंगे, पैन आईडी और आधार आईडी। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है स्पेशल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर शिपिंग टू इंडिया, यानी इंडिया के लिए भेजे जाने पर ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगी। तो अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर और अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ, और प्राइवेसी की वजह से मुझे इसको ब्लर करना होगा। तो मैंने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। और चेक करने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको लिखा हुआ है 8 से 12 हफ्ते में आपका अवार्ड आप तक पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने चैनल के लिए यूट्यूब अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास किसी वजह से नोटिफिकेशन नहीं आता है 1,00,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी, तो आप इस तरीके से मेल कर दीजिएगा। मेल करने के बाद आप आसानी से अपने चैनल के लिए यूट्यूब अवार्ड पा सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपके मन में यूट्यूब अवार्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली सर्किल के साथ। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा लीजिए। और दबा लेने के बाद एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, आप उसको भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।